हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हुए यार आप सभी सभी। सो आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप साइकिल में डबल कैरी कैसे कर सकते हो, मतलब साइकिल के पीछे आप पीछे एक बंदे को कैसे बैठा सकते हो। और साइकिल की बहुत सारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा वीडियो से लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर सेट कर लेना गाइस। तो सबसे पहला ट्रिक आता है गाइस ब्रिज पर, ठीक है। तो ब्रिज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग आप मान लो कि सामने कोई कैंपिंग कर रहा है, ठीक है, और आप साइकिल लेके इस तरीके से जा रहे हो। देखो गाइस, सॉरी ये बग्गी के पहले जाने देते हैं, ओके। आप साइकिल लेके जा रहे हो और सामने से अचानक से चार्ज हुआ, तो आप इस तरीके से जंप करवा के गाड़ी साइकिल को ईजिली यहाँ से निकाल सकते हो और बंदे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक दिखा दिया। इधर एक ट्रिक है गाइस, यहाँ से भी आप निकल सकते हो साइकिल को लेके इजीली बिना किसी दिक्कत के, मतलब कहीं से भी आप निकल सकते हो। और बाकी तो गाइस ब्रिज के ऊपर चढ़ना तो आपको मतलब हर जगह दिखाई होगा आप लोगों ने, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। मतलब इस तरीके से आपको जंप करवाना पड़ता है साइकिल को, अदरवाइज़ मतलब नॉर्मली नहीं चढ़ता। और बूस्ट वगैरह करके आपको ऊपर जगह मतलब बूस्ट दबा के एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो आप इजीली ब्रिज के ऊपर आराम से पहुंच सकते हो गाइस। मैं आपको मतलब डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप दो तीन बार ट्राई करना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो इजीली। मैं थोड़ा सा दिखाने का अगर हो जाता है तो मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो मतलब बहुत ईजी है गाइस, बहुत सारे बंदों ने किया भी है इसे। तो गाइस आप अपने हिसाब से कर लेना, ईजी है, ठीक है। और दूसरा ट्रिक है गाइस, अगर आप नॉर्मल साइकिल को चलाते हो तो ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती, लेकिन अगर आप बूस्ट दबाते दबाते साइकिल को चलाते हो, ठीक है, तो जैसे कि मैं ऐसे बूस्ट पकड़ के रखूँगा तो ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगी, लेकिन जैसे मैं बूस्ट मतलब दबाते रहूँगा, टैप 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 करते रहूँगा, तो बहुत स्पीड उठेगा। मतलब देखो अभी कितना स्पीड पर जा रहा है मेरा साइकिल, ध्यान से देखना, ठीक है, कितना स्पीड पर मैं चला रहा हूँ साइकिल को, मतलब नेक्स्ट लेवल है भाई। ये एक नया ट्रिक है गाइस, ये इसलिए होता है क्योंकि गियर वाला साइकिल है तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्पीड में चल जाता है ये। तो ये एक ट्रिक है गाइस, इसे आप ज़रूर से अप्लाई करना गाइस, ठीक है। और एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको साइकिल को लेकर कहीं पे हाई जंप करना है ना गाइस, तो आपको जंप के बटन को थोड़ा सा पकड़ के रखना है, फिर जाके छोड़ना है, तो आपका साइकिल हाई जंप करेगा, ठीक है। ये एक बोनस ट्रिक है गाइस, तो इसे भी आप ज़रूर से ट्राई करना, ठीक है। अब बढ़ते हमारे मेन ट्रिक की ओर, जो कि आपने इंट्रो पे देखा था, ठीक है। तो देखो गाइस, आपको डबल कैरी साइकिल में कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके का बूस्ट ढूंढना है, मतलब जिस तरीके से ये बंदा कर रहा है, मेरा टीममेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बूस्ट ढूंढना है, और बूस्ट के ऊपर जो सेकंड कैरी होगा मतलब जो पीछे बैठेगा उसको इस तरीके से लेटना है, और इस तरीके से लेटने के बाद आपको इस तरीके से खड़ा हो जाना है, फिर जाके ये ट्रिक वर्क करेगा और साइकिल में दो बंदे बैठ सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस आप इसी मतलब इस साइकिल को लेके कहीं भी जा सकते हो, बट जंप गलती से भी मत कर देना, क्योंकि जो बंदा रहता है पीछे वो जाएगा। तो इस तरीके से आप डबल कैरी कर सकते हो इजी तरीके से, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं मतलब प्रैक्टिकली मेरे को करके दिखाता हूँ कि वो कैसे करना है एग्जैक्टली, मतलब मैं बता दिया और आपका हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं है गाइस। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मतलब बोलूँगा, ठीक है, कि इस ट्रिक को ये ट्रिक हेल्पफुल है या फिर नहीं है। पहले तो आप खुद ही देख लो मेरा पीछे वाला बंदा गिरता है या फिर नहीं गिरता है, बस अब ठोकना नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, मतलब दिखा देता हूँ मैं सेकंड वाला, मतलब कैसे इसके ऊपर साइकिल के ऊपर कैरी होना है। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है, उसके बाद आपको इसके ऊपर लेट जाना है, ठीक है, उसके ऊपर लेट जाना है, फिर जाके आपका जो कमर है वो साइकिल के सीट पर होना चाहिए। देखो गाइस, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, अब ध्यान से देखो कि मेरा कमर उस साइकिल के सीट पर होना चाहिए, तभी जाके होगा। मतलब पहले एक दो बार आपका मिस्टेक होगा, मेरा भी हुआ था, लेकिन आप जब सीख जाओगे ना तो आपका इजी हो जाएगा। देखो पहले ये मिस्टेक हो गया गाइस, देखो मैंने क्राउच किया लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो गाइस सीट पे मुझे क्राउच करना है एग्जैक्टली आके। तो देखो गाइस मैं यहाँ पे आया, लेट गया, तो साइकिल चल गया, अब मैं क्राउच कर देता हूँ। अब ना ही यहाँ पे मतलब खड़ा होगा बंदा, तो इस तरीके से हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी सीन नहीं रहेगा, मतलब बस ठोकना नहीं और जंप नहीं से करना है साइकिल को पूरा, मतलब कहीं भी हम जा सकते हैं, कोई भी सीन नहीं रहेगा। तो गाइस इसी तरीके से आप साइकिल में डबल कैरी कर सकते हो गाइस। और गाइस बाई चांस अगर आप साइकिल से किसी तरीके से गिर जाओ, तो गलती से मत समझ लेना कि आप किसी तरीके से साइकिल में चढ़ पाओगे उस बूस के सिवा, या फिर कोई पत्थर वगैरह ना हो तो आप यहाँ पे कभी भी नहीं चढ़ सकते हो गाइस। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो से लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर सेट कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।